हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफसाइट यूट्यूब चैनल और मैं अनु सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू एंड जीपीयू, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सीपीयू और जीपीयू लगभग एक ही चीज़ है, तो सुनने में तो एक ही चीज़ लगती है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। और क्या आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में अगर सीपीयू ना हो तो क्या वो काम करेगा या जीपीयू ना हो तो क्या वो काम करेगा, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर का सबसे मेन हिस्सा होता है जहाँ पे सभी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। चाहे छोटी सी चीज़ हो, छोटी सी कोई कैलकुलेशन हो, या आपको करनी हो नेट सर्फिंग, या आप किसी से करनी हो कॉलिंग आपके स्मार्टफोन में, या फिर आपके अपने पीसी में आपको सिंपल कुछ एक पेंट में ही कुछ एप्लीकेशन यूज़ करनी हो, यहाँ पे आपका प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों सबसे पहला सीपीयू यहाँ पे 1971 में इंटेल लेके आया था, और आज बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं उसके i3, i5, i7 कई सारे प्रोसेसर्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, सीपीयू यहाँ पे काम करता है मल्टीपल कोर्स के थ्रू, जिससे हमारा काम जो होता है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। यानी कि जितने ज़्यादा कोर्स, उतने ज़्यादा टास्क को वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है बिना किसी लैग के। आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है यहाँ पे। दोस्तों, उसकी स्पीड्स को मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में, 1.9 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आपने देखा होगा कई प्रोसेसर के आगे लिखा होता है। तो उसका मतलब यहाँ पे होता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर कोई प्रोसेसर है तो वो 24 बिलियन टास्क एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और आजकल आपके स्मार्टफोन में ही ये देखने को आपको मिल जाता है, इसलिए हमारे स्मार्टफोन आजकल पुराने ज़माने के कंप्यूटर से भी फास्ट हो गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जब सीपीयू से आप अपना काम करते हैं, मान लीजिए गेमिंग करते हैं आप या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, तो कभी बार होता क्या है आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। जब काफ़ी हैवी ग्राफिक्स वाली कोई गेम या कहें कि 3D जब आप वीडियोस या गेम्स खेलते हैं तो आपको कुछ लैग देखने को मिलता है, या कहें कि अटक अटक के चलता है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं आपके वीडियो गेम्स में या वीडियोस वगैरह में, तो यहीं पे काम में ले जाते हैं दोस्तों जीपीयू का, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का। तो इसके नाम से पता लगता है कि ग्राफिक्स को प्रोसेसिंग करने के लिए अलग से एक यूनिट बना दी गई है कि कुछ भी ग्राफिक्स का काम हो वो इसके थ्रू हो जाए और सीपीयू पे लोड थोड़ा कम हो जाए, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको और हमको काफ़ी स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस या वीडियो का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है आपके स्मार्टफोन और डेस्कटॉप में। दोस्तों, पहला ग्राफिक प्रोसेसर बनाया गया था एनवीडिया के द्वारा 1999 में, और तब से आज तक ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जैसे हमारे सीपीयू डेवलप हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप जान ही चुके हैं कि सीपीयू और जीपीयू का काम किस तरीके से हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे स्मार्टफोन्स में अगर जीपीयू ना हो तो एक बार को सीपीयू जीपीयू का थोड़ा बहुत काम कर सकता है, हैंडल कर सकता है, लेकिन आपको बस छोटा सा लैग देखने को मिलेगा आपके परफॉर्मेंस में, चाहे आप वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग कुछ भी आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीपीयू के बिना आपका फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी है वो काम नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि वो मेन हिस्सा है, प्रोसेसेस उसी के थ्रू होके गुजरती हैं, और जीपीयू यहाँ पे काम में ले लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे जीपीयू को बिना तो आपने देखे होंगे कई सारे कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स, क्योंकि सीपीयू कुछ हद तक ग्राफिक्स का हैंडल कर सकता है लेकिन जीपीयू एक डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए, वो सीपीयू का काम नहीं कर सकता दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।